Do subscribe and don't forget to press the bell icon to get instant notifications. Agni Tattva Ling, Tiruvannamalai. इस स्थान पर पंच महाभूतों के अंतर्गत आने वाला तेजोलिंग है, जो अरुणाचल पर्वत पर अग्नि शिखा के रूप में अवस्थित है। क्षितिलिंग की प्रतिष्ठा के पश्चात महादेवी जी की आज्ञा से पार्वती ने अरुणाचल तीर्थ में पहुंचकर कुछ दिनों तक तपस्या की थी। भगवती की तपस्या के बाद अरुणाचल पर्वत पर अग्नि शिखा के रूप में एक तेजोलिंग का आविर्भाव हुआ। भगवान शिव ने शिव कांची में माता पार्वती से कहा था कि मैं तुम्हें गौतम आश्रम में तेज रूप में मिलूंगा। इस तीर्थ में महादेव और पार्वती जी का मिलन हो गया था। एक बड़े प्रांगण में यह भव्य मंदिर अवस्थित है। इसमें एक बड़ा मंदिर है जिसमें 9 मंजिलें हैं तथा पूरा मंदिर अद्भुत शिल्प कला से सज्जित है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, वरन अग्नि के रूप में पूजा होती है। मंदिर का पुजारी एक बड़े पात्र में बहुत से कपूर जलाकर उसे ऊपर से ढक देता है। उसको जलते हुए ही बाहर लाता है, जो स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार भगवान का दूसरा मानवीय विग्रह अर्थात मनुष्य के स्वरूप की मूर्ति को भ्रमण कराकर फिर वहीं रखा जाता है। फिर उस जलते हुए कपूर वाले पात्र का ढक्कन खोल दिया जाता है। इसी समय मंदिर के शिखर पर भी बहुत सा कपूर जलाकर फिर घी की मशाल जलाई जाती है। ऐसा बताया जाता है कि मंदिर के शिखर पर यह प्रकाश 2 दिन व 2 रात तक बराबर रखा जाता है। इस कारण यह भगवान शंकर का तेजोलिंग कहलाता है। इस मंदिर में कीर्ति गाई नामक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर के आसपास के कुछ अन्य दर्शनीय स्थलों के बारे में हम अपने अगले भाग में बात करेंगे।